जिले चकवाल से आए हैं। ये उसको होमोफीलिया का मतलब था, हीमोफीलिया। तो जब आपको पता चला था कि इसको हीमोफीलिया है, इसको क्या होता था? इसके नाक से मुंह से खून आने लगता था, तो डॉक्टर के पास लेके जाते थे, वो इसको जो है ना सफ़ेद कहते थे कि इसको आप लाल खून हमें दें और इसको सफ़ेद खून करके हम इसको लगा देंगे, वो प्लाज्मा क्या कहते हैं उसको, वो उसको लगा देते थे। एक ड्रिप लगाते, फिर दो दिन के बाद फिर एक और ड्रिप लगा देते, फिर इस तरह इसके 3-4 माह सही गुजर जाते, उसके बाद फिर इसके मुँह से खून आने लगता था, नाक से आने लगता था, मगर फिर उसके बाद ना फिर खून लगवा। अब तो मैं खून लगवा लगवा के थक गई थी, मैं कहती थी अब किधर से खून ले रोज़ाना, कोई देता है बंदा कोई नहीं देता, 4-4 हज़ार रुपये की बोतल लेके मैं इसको लगवा दी। तो मैं कहती मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं रोज़ के इसके इलाज 6 माह से लेके अभी ये 7 साल की हो गई तो इलाज इसका शुरू करवा रही, इतने पैसे इलाज मगर मैं कुछ भी नहीं फर्क पाता। मगर जब इधर आए हैं लाहौर में इन डॉक्टर साहब को पता चला है तो ये मेरी बेटी अब काफ़ी बेहतर हो गई है, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बेहतर है। पहले से 4 माह हो गए, 5वां माह शुरू हुआ, मैं इसकी दवाई लेके जाती हूँ हर माह, तो मेरी बेटी देख मैं 4 दफ़ा दवाई पीती है और माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो गई है, कोई खून नहीं आया, कोई प्लाज्मा नहीं लगवाया, काफ़ी बेहतर हो गई है। बहुत ज़्यादा मुतमिन, मैंने और 2 बच्चों को मैं आज फिर लेके आई हूँ, और वो 2 लड़के आए हैं, उनको तो यही बीमारी थी, और एक लड़की आई अभी वो बाहर उसकी जो है ना कर रहे हैं एंट्री कर रहे हैं, तो फिर अभी उसको भी चेकअप करवाना है। मैंने उन्हें बताया कि मेरी बेटी माशाल्लाह बहुत पहले से बेहतर है, वो भी लेके इधर ही पैगाम देना चाहूँगी कि ये बहुत अच्छे डॉक्टर साहब हैं और इनके जितना हो सके लोगों को इनके साथ तावन करें, और जो है ना मेरी सुनवाई है इनके लिए, और मैं क्या कह सकती हूँ, मेरी बेटी ठीक हो रही है ना, और ये मैं बहुत मुतमिन हूँ उनकी, ये मुझे हर बार में आती हूँ और मुझे जो तसल्ली मिल जाती है मेरी बेटी जल्दी ठीक हो जाएगी।